बताएं क्या मसला है इस बार कराची क्यों नहीं चल पड़ी? बस कराची को चलना तो चाहिए था, असल में तो आमिर एक वो इंजर्ड हो गया, उसके साथ इलियास भी इंजर्ड हो गया है, इलियास के साथ साथ फिर बाबर तो एग्जैक्टली बैटिंग कर ही रहा है, लेकिन कराची की वो बैटिंग नहीं है जिस तरह बैटिंग उन्होंने पिछले साल या पिछले PSL में उन्होंने की है, उस तरह बैटिंग नहीं हो रही। और दुख तो हो रहा है, जो टीम सिलेक्ट हुई थी वो नहीं है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन वो अकेला क्या कर सकते हैं? जब तक टीम पूरी स्कोर नहीं देगी उसे अपने साथ, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इनकी ड्राफ्टिंग भी अच्छी नहीं हुई। अगर ड्राफ्टिंग अच्छी होती तो ये मैच खेलना पूरे आप। तो किन प्लेयर्स को होना चाहिए था कराची किंग्स में? जैसे कि पिछले साल जिस साल ये जीती है, उस साल की टीम होती तो हो सकता था इस साल भी। अच्छा, कोई प्लेयर जो मिस हो रहे हो कराची की जानिब से? बाप मोहम्मद आमिर है, वो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही होगी, वो मोहम्मद इलियास उनसे उम्मीदें तो बहुत थी आमिर से और इलियास से, लेकिन वो अनफिट हो गए जिसकी वजह से कराची का लाल दूर हो गया। सही, कराची जो इस बार परफॉर्म कर रहा है उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई मीन उन्होंने कोई भी एक अपना मैच जो है ढंग से नहीं खेला, इनफैक्ट करीब भी नहीं आए जीतने के। दे वुड हैव बीन अ लॉट बेटर लेट दे हैड मोहम्मद आमिर, बॉलर नहीं है उनके पास और फिर जो है ना इलियास साहब भी नहीं है, तो मतलब उसकी वजह से एंड बाबर आजम से काफ़ी उम्मीदें थी, बट देन वो अकेला बंदा भी क्या ही कर लेगा, लेकिन ही ट्राइड हिज बेस्ट। सो आई होप कि अब आगे कोई एक दो आधे मैचेस में थोड़ा सा ऊपर आए, लेकिन दे वुड हैव डन बेटर। बाबर आजम की परफॉर्मेंस है मतलब, लेकिन कराची गेम भी कार्ड कर दी इंतहाई बुरी है। अच्छा, जैसा कि आप देख लें इनके पास पहले ओपनर के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी किए हैं जिनका कोई नाम जो क्लार्क नाम पता है, वो मतलब भी थोड़ा बहुत सही है, और क्रिस जॉर्डन प्लाटीनियम में उसको क्रेस को चाहिए था कि कोई अच्छा प्लेयर ड्राफ्ट कट प्लाटीनियम में। सही, तो आप समझ रहे हो कि बेसिक मजा जो है वो कराची की बुरी कारकर्दगी वो सिलेक्शन है? सिलेक्शन बहुत बहुत किस्मताना अच्छी नहीं है। तो क्या समझते हो किस खिलाड़ी को होना चाहिए था टीम में? नहीं, जैसे आप देख ले अफगानिस्तान का वो होता है ओपनर पॉल स्टर्लिंग भी तो आयरलैंड का इस्लामाबाद ने भी किया है ना, इनको भी चाहिए था कोई हार्ड हिटर हो कर लेते ओपनर। और पीरियड लास्ट टाइम इनके पास शेन मॉर्गन भी था, वो भी अच्छा प्लेयर है, यानी कि मिडल ऑर्डर में। क्या वजह है कि इस बार कराची उस तरह चल नहीं रही? इसमें क्या कह सकते हैं, खिलाड़ी तो अच्छे हैं पर प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते, प्रेशर हैंडल नहीं किया उन्होंने। मोहम्मद आमिर उसको बहुत मिस कर रहे हैं, अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है,